हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं, दानियल पापा और इनाया भी बैठी हुई है। और फ्रेंड्स, हम आज तैयारी कर रहे हैं, बहुत लेट हो चुकी है। हमें कल आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने बड़े सारे स्नैक्स लिए हैं, हमने अपनी पैकिंग भी कर ली है। और मैं आपसे ये बोलना था फ्रेंड्स, मैं कितने दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, बिकॉज मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे, मैं उनके लिए स्टडी कर रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं आपके लिए नए नए व्लॉग नहीं ला पाई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्नैक्स जो हमने क्या करा था, हमने अलग मंगा लिए थे और पापा भी ले आए थे, तो हमारे से ज़्यादा स्नैक्स हो गए हैं। अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो ये स्नैक्स उसके लिए हैं, जैसे अगर हमें कुछ भूख लगी तो हम उसके लिए खाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने जो पैकिंग की है। ये हमारे लगेज हैं, इसमें लगेज में दानियल और मेरा सामान है, इसमें पापा का और इसमें मम्मी का। गुड मॉर्निंग। और अब मैं जहाँ पे हमें आउट ऑफ दिल्ली जाना है, वहाँ जाने के लिए उठी हूँ। मैंने फेस वॉश भी कर लिया है और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो मैं आपसे तैयार होने के बाद मिलती हूँ। देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं पापा, मम्मी, दानियल इनका वेट कर रही हूँ। जब ये रेडी होंगे मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद हम बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने सारे लगेज वगैरह सब गाड़ी में रखवा दिया है और अब हम बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं। और मुझे आपको ये बताना है कि हम बाहर जा कर आए हैं, हम कसौली हिमाचल प्रदेश मतलब हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे 5 hours 33 minutes का रास्ता रहता है और बारिश भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बारिश भी हमारे साथ साथ चल रही है। देखिए, आज पापा ने भी मौसम के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं। पर है ना, हाँ, जूता काट रहा है। चलो, कभी कभी ऐसा भी होता। इनो 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 इनाया इनाया इनाया, हेलो इनाया, हाँ रखो। फ्रेंड्स, अब हम सब ने खाना खा लिया और अब हम वापस अपनी जर्नी के लिए निकल रहे हैं। राय ना, बड़ा डर लग रहा है तुम्हें। कपड़े गीले हो जाएंगे यार सारे, पानी भर रहा है इसपे। फुल एंजॉयमेंट आया इनो। ओहो ओहो, देखिए, हम अपने कॉटेज पहुंच चुके हैं और मैंने इसको आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश की है। अब जब हम अंदर जाएंगे मैं आपको वहां से भी दिखाऊंगी। और हमको वुड स्टॉक कसौली लाने का प्रोग्राम रायना ही का था और रायना हमको यहां पर लेकर पहुंच चुकी है। देखिए, इसका व्यू कितना अच्छा लग रहा है हर एंगल से। इसको बैक साइड से भी रायना ने भी हमें दिखाया। तो
बैल के नहीं तो सुबह पता चलेगी कैसी है। चलो फिर भी चल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैठ के हम अपने सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रात में तो कुछ पता नहीं चलता, पर सुबह का भी यहाँ से बहुत अच्छा आने वाला है। हर जगह कोहरा ही कोहरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। फ्रेंड, ये हमारा कॉटेज जो हमने अपने लिए बुक करा था, चलिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल समझ रहे हो, जैसे बैठने के लिए एक रूम एक्स्ट्रा है। ये सिटिंग एरिया है, सोफा कम बेड भी है, इसको सोफा। अच्छा अच्छा। और ये हमारा छोटा सा किचन है। आई फ्रेंड, मैं आपको हमारा बेडरूम दिखाती हूं। हमारे जैसे मम्मी पापा का हमारे लिए सोफा कम बेड है। ये है थोड़ा सा गंदा हो गया, उसका ध्यान रख दीजिएगा। ये हमारे लगेज है, और इसमें यहाँ पर हमारे ब्लैंकेट्स हैं, ये भी हमारा सामान है। और यहाँ पर हमारे बैग्स हैं, और ये तो उसमें वैसे रख रखे बेडशीट्स और वो कवर्स रख रखे हैं पिलोस। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉशरूम और है। यहाँ पे दो वॉशरूम है। यहाँ पर ये जैसे सिटिंग एरिया था उसको वैसे ही, इसके अंदर बीन्स होती हैं बैठ के। और ये हमारे दोनों लगेज हैं। अब हमारा सेकेंड बाथरूम, इधर हमारा शावर है, यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा मिरर है, और ये नॉर्मली हमारा वॉशरूम है, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था, बस सेम है, बस इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे शावर है और यहाँ पर शीशा भी है, पर वहाँ पे भी है। जो हमारा ये कॉटेज के साथ जॉइंट टेरेस है वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, और यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता भी है। बहुत लोग गए थे वहाँ पे, स्टेयर्स हैं, बट यहाँ पर स्टेयर्स नहीं है। ये हमारा सिटिंग एरिया, जैसे मैंने आपको नीचे वाले रूम में दिखाया था, उसी की तरह सिटिंग एरिया, बट ये टेरेस है तो उसमें ज़्यादा सीट्स हैं उसकी जगह। और ये उसी की तरह अलग से हमारे देखने के लिए बालकनी समझ लो, और टेरेस ही है वैसे तो, बालकनी जैसे व्यू आता है। और यहाँ पे भी कोहरा कोहरा हो रहा, आपको कुछ पता तो चल नहीं रहा होगा, तो मैं आपको मॉर्निंग में भी दिखाऊंगी। और सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रायना ने बोला कि पापा चाय बनाकर पीते हैं, जो हम लोग घर पर बनाते हैं उसी स्टाइल में, क्योंकि होटल्स में तो क्यूब वाली चाय मिलती है, वो ज्यादा अच्छी लगती नहीं, इसलिए हम लोग चाय बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि घर वाली चाय बनाएंगे, उसका टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे हमारे घर में चाय। तो हम लोग बाजार जाकर दूध वगैरह लाए हैं, चीनी लाए हैं, क्योंकि होटल में तो पाउच वाला पत्ती होता है, उससे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय बनता नहीं, तो अभी हम लोग चाय बना रहे हैं। चाय बनाने का मूड था, और हम लोग बहुत देर के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो मन कर रहा था कि जल्दी से अपने हाथों की बनाई हुई चाय पिए, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए लग गया। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा छोटा सा किचन। फ्रेंड्स, यहाँ और चाय बनकर तैयार हो गई, और अब हम लोग वही चाय पी रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। तो टी पार्टी अकेले कर रही हो, बाकी तो सब अंदर है। चलो दानियाल, आपको चाय कैसी लगी? अच्छी। टेस्ट घर जैसा था? नहीं नहीं था, मतलब ये तो झूठ बोल रहा है ना दानियाल। मतलब अलग वो इसलिए लगी होगी, जैसे मैंने ब्राउन शुगर डालते हैं, तो अपने हमने नॉर्मल शुगर डाली थी ना, शायद इसलिए अलग। अच्छा, व्हाइट शुगर डाली इसलिए थोड़ा सा टेस्ट चेंज है। चलो कल जो है, कल बिल्कुल वैसी बनाएंगे घर जैसी। मैं तो अंदर जा रही हूँ, हम लोगों ने चाय पी ली है। चाय पीने के बाद जो है
अब रायना से हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई आगे क्या काम करना है, तो रायना जो है अपने इस कॉटेज के टेरेस पे घूम रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे डिनर विनर करने, उसके बाद तो ऑब्वियसली सोना ही है हमें। तो डिनर में क्या लोगी? डिनर में वो तो मेन्यू देख के डिसाइड करेंगे। मेन्यू कुछ नहीं होता, इनकी सिर्फ पीली दाल होती है मेन्यू के अंदर। देखा था मैंने, पीली दाल और रोटी बस। रायना ने और हम सब ने अब अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में।